मैं रितेश कुमार उपाध्याय बीपीएल आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं, आपको मालूम ही होगा कि 2021 की यूपी पीसीएस प्री 2020 के जो सीरीज हमने आधुनिक भारत की चालू की है, उसी संदर्भ में दोस्तों आज हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और जो आज हमारा टॉपिक होगा, एक तरीके से कहिए तो बहुत इम्पोर्टेंट तो सभी होते हैं, लेकिन इसका रोल आगे भी आपको दिखाई देगा, हमेशा दिखेगा और आज के संदर्भ में भी दिखता है। वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डलहौजी। हम दो गवर्नर को समझेंगे, क्या है, कैसे मुद्दा है, इन चीज़ों को देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डलहौजी का क्या है, कैसे है, क्या किया जाए, कैसे समझा जाए, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगर हम बात करें तो इसको उदारवादी भी कहा जाता है। इसने कई ऐसे काम किए जो एक रिफॉर्म के रूप में इसने काम किया, सामाजिक सुधार के रूप में इसने काम किया। अगर हम देखें तो सबसे बड़ी एक समस्या हमारे यहाँ थी सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आप भी जानते होंगे, सुने होंगे कि एक तरह की एक बुराइयत थी, इविल्स था। इसमें संदर्भ में क्या था कि अगर हस्बैंड मर जाए तो महिला को उसी के साथ जलती चिता पे जला दिया जाता। अब सोच लीजिए, बहुत उस समय कम एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो एक तरह की अमानवीय रीति थी। और इसको लेके राजा राम मोहन राय, जिसको भारतीय समाज सुधारक भी कहा जाता है, भारतीय सुधारक है, रिफॉर्मर है, वो बड़ा इसके लेके इसको वो थे। तो उन्होंने उनकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानूनी रूप से खत्म कराया और अवैध माना कि अगर सती प्रथा करते हुए अगर कोई हुआ तो एक कानूनी रूप से एक दंड दिया जाएगा और एक तरीके से इसको समाप्त कराया गया। दूसरा काम अगर सबसे बड़ा जो इनके काल में मुद्दा हुआ, दोस्तों समझिएगा, लेकिन क्या है, सब चीजें ऐसी हैं कि अगर एक बार समझ में आ जाए तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या क्या मुद्दा है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में ही हम देखेंगे क्या है, कैसे है, क्या मुद्दा है। दोस्तों, इनका अगर कार्यकाल की बात करें बेंटिंक का, ये रहा 28 से 1828 to 35। बड़ा कूल होकर समझिएगा, इतिहास बड़ा आनंद का सब्जेक्ट है। सबसे पहला काम अगर हम इसकी बात करें तो याद रखिएगा, सती प्रथा समाज सुधारक के रूप में देखें, अगर समाज के लिए इसने क्या किया तो सती प्रथा को इसी के इसने समाप्त करवाया, सती सिस्टम विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की सहायता से इसने सती प्रथा को समाप्त कराया। दोस्तों, सती प्रथा, मैंने फिर से रिपीट कर दूं, एक बहुत बड़ी बुराई थी। अगर आप पूछा जाए कि कब चालू हुआ था सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ मिलता है भारत में, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ मिलता है, एनीवन कोई बताए? देखिए, मैं पूछता हूँ इसलिए कि आप भी क्लास में इंटरेक्ट हों, मतलब ये नहीं कि हम लाइव क्लास ले रहे हैं और बता रहे हैं, तो आप मतलब मेरी बातों को सुनिए और बताइए कि सती प्रथा समाप्त हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया, राजा राम मोहन राय की हेल्प से विलियम बेंटिंक ने कराया। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसका अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलता है, कब मिलता है, कोई बता? एनीवन कोई बता? याद रखिएगा, भानुगुप्त के एरल इंस्क्रिप्शन में मिलता है सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य, भानुगुप्त के एरल इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो एंशियंट इंडिया में आपको बताया जाएगा। और दोस्तों, इसको समा बहुत बड़ी बुराई थी, एक तरीके कह रहे महिला सुधार में इसका बहुत बड़ा योगदान है,
महिलाओं को समाज में आगे लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया गया। पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसी के काल में आंग्ल साक्ष्य प्राच्य विवाद, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन डिस्प्यूट, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद इसी के काल में हल किया गया। अब आप पूछेंगे याद रखिएगा यह है क्या, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा, आंग्ल प्राच्य जो शिक्षा डिस्प्यूट है वो है क्या। दोस्तों इसी के काल में आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद को समाप्त करने के लिए मैकाले कमेटी बनी, और मैकाले ने जो रिकमेंडेशन दिया उसी के बाद से भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों है क्या, यहीं पे थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। जब मैं क्लास लेता हूं तो आगे पीछे तीनों को लिंक करता हूं, जिससे कि आपको जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई नोट्स पढ़ते हैं, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब जैसे आप पढ़ेंगे नॉर्मली लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, तो बोलेगा कि आंग्ल प्राच एंग्लो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन डिस्प्यूट को इसने समाप्त किया, तो आपके दिमाग में आएगा ये है क्या। तो दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही यूपीपीसीएस का जान है टॉपिक मेंस के लिए। हर साल हर सेकेंड ईयर में देखिएगा, हर दूसरे साल में देखिएगा, 10 नंबर का एक क्वेश्चन पहले भी पूछा है, एज ए सब्जेक्ट में भी आता है, जीएस में भी आता है। तो इसको थोड़ा समझिएगा कि ये है क्या, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करने की बात की गई। अगर आपको याद होगा मेरी बात, तो पहली बार अंग्रेजों ने 1 लाख रुपीज शिक्षा पे खर्च करने की बात की थी इन 1813 के चार्टर में। पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब मुद्दा ये फंसा कि ये पैसा तो तुम दे रहे हो, लेकिन ये पैसा खर्च कहाँ हो, उसको लेके भारत में दो ग्रुप बन गया। एक चाहता था अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए खर्च हो, एक चाहता था प्राचीन शिक्षा के विकास के लिए खर्च हो, जो भारत के प्राचीन शिक्षा है प्राचीन भाषा में दी जाए, और एक चाहता था एंग्लो और साइंटिफिक एजुकेशन की बात की था उसमें दिया जाए। अब इसका इस संदर्भ में याद रखिएगा, जो प्राच्य विद्या, जो प्राचीन भाषा चाहते थे साहित्य को पढ़ाया जाए, उसमें थे विल्सन और प्रिंसेप बंधु, प्रिंसेप ब्रदर एंड विल्सन, ये चाहते थे कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाए। और ट्रेवेलियन था, एक ट्रेवेलियन ये लीडर था, ये चाहता था कि अंग्रेजी शिक्षा या वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए, और इसको सपोर्ट कर रहे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भी चाहते थे कि जो भारत में आधुनिक वैज्ञानिकता का विकास किया जाए, तार्किकता का विकास हो, रेशनलिटी आए, साइंटिफिक ओरिएंटेशन लाया जाए, इसके लिए अंग्रेजी शिक्षा या वैज्ञानिक शिक्षा देना जरूरी है। अब होता क्या था, ये आपको पता होगा, 1813 का चार्टर के समय गवर्नर कौन था, एनीवन कोई बताए, 1813 के चार्टर के समय गवर्नर कौन था, सत्ती और जौहर में अंतर बता देता हूं, अभी बता दूंगा, हाँ बताइए। 1813 के समय गवर्नर कौन था बंगाल का, कोई बताए, लॉर्ड हेस्टिंग थे यार, वही उसके बाद बने, लॉर्ड हेस्टिंग थे, कार्नवालिस द्विवेदी पहले थे, 1805 में एक बार बने थे, बाद में मर गए, इसमें लॉर्ड हेस्टिंग 1813 की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया, लॉर्ड हेस्टिंग। तो याद रखिएगा, उसके बाद होता क्या था, गवर्नर जिसको चाहता था उस ग्रुप को पैसा दिला देता था। आते हैं मुद्दे पे, कि फिर से समझिएगा, अगर पूछा था व्हाट इज एंग्लो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन डिस्प्यूट, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम इंग्लिश गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपीज भारत पे शिक्षा पे खर्च करने की बात की। पॉइंट क्लियर। समस्या दोस्तों ये आया कि ये पैसा खर्च कहाँ हो, इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई थी, बस ये कहा गया था 1813 के चार्टर में कि 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। अब समस्या ये आई कि एक वर्ग ये चाहता था कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए खर्च हो, एक वर्ग ये चाहता था कि ये प्राचीन शिक्षा के लिए खर्च हो। अंग्रेजी शिक्षा के लिए राजा राम मोहन राय सपोर्ट कर रहे थे, प्राचीन शिक्षा में विल्सन थे, प्रिंसेप ब्रदर्स थे, और जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो चाहते थे कि प्राचीन शिक्षा पे खर्च किया जाए। अब दोस्तों इसी संदर्भ में ये चलता रहा मुद्दा, गवर्नर जिसको चाहा उधर पैसा दे दिया, जिसका ग्रुप हावी रहा वो पैसा ले लिया। इसी समस्या को दूर करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले कमेटी बनाई। याद रखिएगा, इसी एंग्लो की पैसा कहाँ खर्च हो, एंग्लो
ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन डिस्प्यूट को दूर करने के लिए लॉर्ड माइकाले की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड माइकाले, जिसको ये डिसाइड करना था कि पैसा कहाँ खर्च हो। और याद रखिएगा, माइकाले ने कहा कि अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी साहित्य में रिपोर्ट भी लेटर पैड पे आया था, उसका नाम था मिनट मिनट, इसी में रिपोर्ट आई। और याद किया, यही से एंग्लो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन डिस्प्यूट को समाप्त कर दिया गया दोस्तों, और ये फिक्स हो गया शिक्षा अंग्रेजी में दी जाएगी। और इसी को कहा जाता है दोस्तों फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कही जाती है। आप पूछेंगे फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या हुई, जब हम उन्होंने कहा, जब ये पूछा गया कि सबको शिक्षा कैसे दे लोगे, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे शिक्षा सबको दे लोगे, तो उसने कहा, इसको कहा जाता है हिंदी में अधोमुखी सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। दोस्तों ये आज भी ये लागू है और हमेशा लागू रहेगा। उसने कहा कि समाज के चुनिंदा लोगों को अगर हम सिखा देंगे तो वो चीजें नीचे अपने आप पहुंच जाएंगी। जैसे आप अपने नौकर, कोई आपके घर में हो, उससे बोलिए गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वो अपने आप जान जाएगा। वाटर को पानी कहते हैं, गिव मतलब देना होता है। ये धीरे 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 नीचे तक अपने आप पहुंच जाएगा और एक सूट बूट समर्थक होगा। ये हुआ भी बाद में, वही वो तो आगे की बात है। तो यहीं पे माइकाले कमेटी ने ये कहा कि भारतीय शिक्षा अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा दिया जाए, और यहीं से ये पॉलिसी बन गई कि ये पैसा इनके लिए खर्च किया जाएगा। याद रखिएगा, माइका लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो एक बहुत बड़ा काम था वो था दोस्तों माइकाले कमेटी के द्वारा एंग्लो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन डिस्प्यूट को समाप्त करना, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद को समाप्त करना। पॉइंट क्लियर है किसी को? इसीलिए आज भी विरोध होता, तो कहते हैं लोग माइकाले दलालो बाहर जाओ बाहर जाओ। मतलब आज भी भारतीय शिक्षा पद्धति किससे जोड़ी जाती है? माइकाले से जोड़ी जाती है, कि उसी को बेस बना के आगे हमने एजुकेशन को बढ़ावा दिया। पॉइंट क्लियर है दोस्तों? तो जब भी शिक्षा पे लिखना आएगा, आधुनिक शिक्षा पे, 1813 से चालू करिएगा और एंग्लो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन डिस्प्यूट को बताइएगा। आगे वुड का इस प्रोजेक्ट में आज ही डलहौजी के काल में आज हमारा है प्रोग्राम के डलहौजी भी बताऊंगा, तो उस पर मैं बताऊंगा। पॉइंट क्लियर है दोस्तों? किसी को कोई डाउट, कोई मुद्दा, कोई समस्या हो तो बताएं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समस्या हो तो बताइए। किसी ने हमसे पूछा था जौहर और सती प्रथा में अंतर क्या होता है। देखिए, जौहर क्या होता था, ये राजपूतों की परंपरा थी। उसमें अगर राजपूत राजा या राजपूत साम्राज्य घिर जाता था तो राजपूत रानियां अपने आप को मार लेती थी, सामूहिक अपने हत्या कर लेते कि जिससे वो दुश्मन के पकड़ में ना आए, तो इसको हम जौहर कहते थे। और सती प्रथा क्या था, सती प्रथा में ये वीरता का नाम नहीं था, जौहर एक तरीके का वीरता था कि हम पकड़े ना जाएं, हम अपने को मार ले जिससे हम दुश्मन के कब्जे में ना जाएं, अगर हम हमारी रक्षा करने वाला हमारा राजा ना रहे तो। राजपूतों की परंपरा थी। सती प्रथा में क्या था कि आप 13 साल की लड़की की शादी 70 साल के बूढ़े से कर दिए, बूढ़ा तो 5 साल बाद मर ही जाएगा, और अब वो लड़की को तुमने विधवा करके जिंदा जला देना। मतलब दोस्तों सोचिए, ये अमानवीकृत, राजा राममोहन राय इतने बड़े सुधारक बने, इनकी भाभी खुद ही जलाई गई और ये कुछ नहीं कर पाए। तो याद रखिए, इतना ज़्यादा प्रथाएं खुद आपको जब सोशल रिफॉर्म पढ़ाएंगे बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि क्या समस्या थी। तो इतना ज़्यादा हावी था, आज भी याद रखिएगा आधा समाज धर्म से गवर्न होता है, उस समय धर्म और ज़्यादा हावी था। तो ये किसी को जिंदा जला देना एक तरीके का अमानवीकृत था, और इसको इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कराया, जो अपने आप में महिला समाज सुधार में एक मील का पत्थर मान सकते हैं आधुनिक काल के लिए। पॉइंट क्लियर है दोस्तों? जब भी आप महिला पर निबंध लिखिए तो इस पॉइंट को आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो अभी तक हमने दो चीजें बताई जो बाद में जुड़े हों जान ले। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में बताया, मैंने कहा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में एक चीज जो मैं कल भी बताया था आज भी फिर से बोलती, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है, क्योंकि 1833 के चार्टर में कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है दोस्तों, मैंने आपको इसीलिए चार्टर बढ़ा के बढ़ा रहा हूं। और इसके बाद मैंने बोला कि इसने सती प्रथा को समाप्त किया विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय, 1829 के नियम 17 के द्वारा इसको समाप्त किया गया। और दोस्तों जो सबसे बड़ा विलियम बेंटिंक का काम रहा वो रहा आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद को खत्म करना। मैंने बताया ये कहाँ से चालू हुआ, तो याद रखिएगा 1813 के चार्टर से चालू हुआ। पहली बार 1813 के चार्टर में कहा गया कि 1,00,000 रुपया कहाँ खर्च किया जाएगा, एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। दोस्तों ये नहीं बोला गया कि वो पैसा किस एजुकेशन के लिए खर्च किया जाए, तो इसको लेके कई ग्रुप बनने लगे, डिस्प्यूट चालू हो गया। अब गवर्नर जो चाहता था जहाँ चाहता था वहाँ पैसा दे देता था,
लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक आया तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसको मैकाले कमेटी कहते हैं। और इस मैकाले कमेटी ने कहा कि पैसा अंग्रेजी भाषा में खर्च किया जाए, अंग्रेजी शिक्षा पे बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाए, और यहीं से शिक्षा की नींव पड़ी। अब इसी में कभी पूछता है फिल्ट्रेशन, जिसे आज भी कुछ वर्ग को दे दो चीजें अपने आप नीचे पहुंच जाती है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट, जो हम प्रचार कराती हैं। कंपनियां क्या करती हैं, अमिताभ बच्चन या बड़े बड़े लोगों को पकड़ती हैं और उनके माध्यम से चीजें गांव गांव तक पहुंच जाती हैं। तो इसी फंडा में मानना था कि ऊपर वर्ग को शिक्षा दो, नीचे अपने आप धीरे धीरे फिल्टर होकर चीजें पहुंच जाएंगी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के दो काम हमने आपको बताया, एक तो ये था। तीसरा काम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में एक और हुआ कि 1835 में कलकत्ता में एक यूपीएससी में एक बार पूछा है एबीसीडी के पॉइंट में, 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। याद रखिएगा दोस्तों, 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। जो पॉइंट मैं बताता हूँ लिखते जरूर जाइएगा, लेकिन बड़ा काम आएगा। जो आप 10 किताब पढ़ के निकालेंगे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर सही तरीके से आप होंगे तो, और बड़ा हेल्प आएगा आपको जब एग्जाम देंगे तो। तो 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। एक और मुद्दा जो इन्होंने समाप्त किया, कई कई पूछा, ठग सिस्टम, ठगी प्रथा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में ठग ही कहते हैं, ठगी सिस्टम। ठगी प्रथा, इसको इन्होंने समाप्त कराया। ठगी प्रथा क्या था, ये बेसिकली क्या करता, आज भी ठग होते हैं ना, जो आपके खाते से पैसा निकाल लिए, अचानक मिलके लूटमार कर लिए, छीन लिए, तो ये एक प्रचलन था। लेकिन जबलपुर के नीचे पूरा ये ठगों का एक ग्रुप चलता था जो क्या करते थे, लोगों को लूटमार कर लेते थे, लूट लेते थे। तो इस समस्या को, ठगी सिस्टम को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कराया दोस्तों। और जो व्यक्ति समाप्त करने वाला था, जिसने इसको किया, श्लीमैन था, कर्नल श्लीमैन ने इसका अभियान किया और इस समस्या को समाप्त किया श्लीमैन ने। इसके अलावा दोस्तों न्याय व्यवस्था में भी इन्होंने सुधार किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक न्याय व्यवस्था में भी सुधार किए। और दोस्तों देखिए, न्याय व्यवस्था में इन्होंने क्या सुधार किया, आपको याद होगा कि किसी को पता हो तो बताइए कि लॉर्ड कार्नवालिस के काल में न्यायालय के में क्या क्या हुआ था, फौजदारी न्यायालय का क्रम कोई बता क्या था। मैं बता चुका हूं, मेरे पूछने अगर आपको रिकॉल करें तो आपको पता होगा कि दीवानी और फौजदारी न्यायालय का एक चयन बनाया था लॉर्ड कार्नवालिस के काल में। बताएगा कोई क्या बना था चयन, एनीवन कोई बताए? कोई भी बताए, सोचिए, बताइए क्या था क्रम हो। कोई भी एनीवन? अरे आपको याद होगा, नीचे से ऊपर तक लेकर न्यायालय की एक लड़ी लगी थी जिसमें जिला अदालत था, रजिस्ट्रार की अदालत था, उसके प्रांतीय अदालतें थी, परिषद की अदालतें थी, सबसे ऊपर क्राउन का था, हाँ, मुंसिप, रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट जज, चार प्रोविंशियल जज, सर्किट कोर्ट। दोस्तों सर्किट कोर्ट जो आपने लिखा है ये फौजदारी में लिखा जाएगा, वैसे प्रोविंशियल चार कोर्टें होंगी। सर्किट कोर्ट की अवधारणा क्या थी, फौजदारी में थी, वैसे सही है, इसको चेंज कर लीजिएगा, फौजदारी में था सर्किट, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रांतीय अपीली और सर्किट कोर्ट था उसको इन्होंने बंद करा दिया। याद रखिएगा सुधार, याद रखिएगा, इन्होंने जो प्रांतीय अदालतें और सर्किट कोर्ट था उसको विलियम बेंटिंक ने बंद करा दिया, और इसके जगह पे यह अधिकार कलेक्टर या दंडनायक को, जो जिला मजिस्ट्रेट था उसको दे दिया गया ये काम करने के लिए, दीवानी और फौजदारी का अलग अलग इनको दे दिया गया। और सदर दीवानी निजामत अदालत दोस्तों इलाहाबाद में स्थापित की गई, सदर दीवानी निजामत अदालत को इलाहाबाद में इस्टेब्लिश किया गया। पॉइंट क्लियर, सदर दीवानी निजामत अदालत को दोस्तों इलाहाबाद में इस्टेब्लिश किया गया, ये चीजें दिमाग में रखिएगा। पॉइंट क्लियर, सदर दीवानी निजामत अदालत को इलाहाबाद में स्थापित किया गया, ये काम किया गया। पॉइंट क्लियर, और ये रहा इनका
काम। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को मैं फिर से बता दूं, 1828 से 1835 के बीच में रहा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और इनके काल में जो सबसे बड़ा हुआ एंग्लो ओरिएंटलिस्ट जो आंग्ल प्राच एजुकेशन डिस्प्यूट था उसको समाप्त किया गया दोस्तों। सती प्रथा को इसने समाप्त किया, ठगी सिस्टम को इसने समाप्त किया, और इसके बाद इन्हीं के आधार में वो सब चार्टर में बताते हैं योग्यता के आधार पर पदों को दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इन आधारों पे इन्होंने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक उदार चेहरा जो है स्थापित करने की कोशिश की अंग्रेजों का। जरूरत भी था क्योंकि अब अंग्रेजों को बाजार बनाना था, बाजार बनाने के लिए एक मॉडरेट फेस देना जरूरी था, तो एक उदार चेहरा बनाने की कोशिश की गई। पॉइंट क्लियर है दोस्तों, मतलब कि प्रांतीय जो अपीली कोर्ट था और सर्किट कोर्ट था उसको समाप्त करके इन्होंने क्या किया, ये अधिकार जिला लेवल पे दे दिया, और सदर निजामत अदालत इलाहाबाद में स्थापित की गई। पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई डाउट लॉर्ड विलियम बेंटिंक में हो तो बताए। अगला हम जो मेन हमारा जो गवर्नर है जो पढ़ना है हमें वो है लॉर्ड डलहौजी, जिसको पढ़ना है लॉर्ड डलहौजी, किसी को कोई डाउट हो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक में तो बताए दोस्तों। एक टिप्पणी आता है जान लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक केवल उदारता का काम किया, मॉडरेट काम किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं था कि भारत को और लोग भारत को बहुत ज्यादा ब्रिटेन को मानते थे या ये भारत को मानता था, ऐसा कुछ नहीं था। बेसिकली क्या था, सभी गवर्नरों ने अंग्रेजों के इंग्लिश जो इंग्लैंड था उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर काम की। आज यह जो समय था यह समय चल रहा था आपका औद्योगिकरण का, अब भारत को बाजार बनाना था, और बाजार बनाने के लिए एजुकेशन देना, रिफॉर्म करना जिससे डिमांड पैदा हो, तो विलियम बेंटिंक पूरा पूरा काम ये कोशिश करता है, एक तरीके से संकीर्णता कम। भाई अगर आपको पता हो, आप जैसे गांव पे हैं, अपने घर पे हैं, 5 बजे उठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या पूजा पाठ करते हैं, अब एकदम रिजिड है, हमें ये नहीं खाना है या हमें वो नहीं खाना, ये गलत है, प्राचीन परंपराओं को मानते जा रहे हैं। जब आप स्कूल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कई चीजें आपका जो 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 कह सकते हैं कि जो अतार्किक तरीका होता है वो टूटता है, सही चीज को लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे आप करते हैं, फिर आपके घर में आता है, तो ये कहां से आता है, एजुकेशन से, नई चीजों को सीखने से। तो उसके लिए जाहिर सी बात है अपनी परंपराओं को देने के लिए अंग्रेजी का होना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा ये पूरे काम ऐसा नहीं था कि भारतीय हितों से प्रेरित था, बेसिकली ये इंग्लैंड के हितों से ही प्रेरित था, लेकिन भारतीयों का फायदा हो गया। अभी उपनिवेश याद रखिएगा दोस्तों, जब वो बनाते हैं और वो जो उपनिवेश देश बनाता है वो काम करता है तो अपने हितों से प्रेरित होता है। यूपीएससी ने टिप्पणी पूछा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में कि एक तरफ डलहौजी और एक तरफ वेलेजली जहां युद्ध के द्वारा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, इसने साम्राज्य को मजबूत शांति के द्वारा कर दिया। तो शांति ऐसा नहीं है कि ये भारत को मजबूत कर रहा था, ये भी साम्राज्य को ही मजबूत कर रहा था, तरीका बस अलग था, उनको युद्ध की जरूरत थी और इनको युद्ध के बाद यहाँ शांति के द्वारा अपने को स्टेब्लिश करना था। याद रखा जब भी ये लाइन लिखेगा कि सभी गवर्नरों का एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश हितों को बढ़ाना, और उस बढ़ाने में सबकी जैसी डिमांड रही वैसे इन लोगों ने अपने अपने काम किए। पॉइंट क्लियर, किसी कोई डाउट, कोई मुद्दा, कोई समस्या हो तो बताएं। अब दोस्तों हम आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856। लॉर्ड डलहौजी 1848 से कहते हैं दोस्तों, ये मेंस का भी बड़ा शानदार टॉपिक है जीएस का। कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी अनोखा साम्राज्यवादी था, यूनिक व्यक्ति था, साम्राज्यवादी था। इसने वह हर तरीका अपनाया जिसके द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया जा सके। याद रखिएगा अगर हम इसके दो भागों में देखें तो साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में याद रखिएगा, इसने तीन तरीका अपनाया, एक तो युद्ध के द्वारा, बाई वार युद्ध के द्वारा इसने पंजाब का विलय किया, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, एनेक्सेशन ऑफ वर्मा जिसको आज म्यांमार कहते हैं, वर्मा का विलय किया और सिक्किम का विलय किया। इन तीनों को एनेक्स किया बाई वार, बताएंगे क्या मुद्दा था, बस जान लीजिए। युद्ध के द्वारा इसने पंजाब का विलय किया, वर्मा का विलय किया और सिक्किम का विलय किया। दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाद इसने एक और पॉलिसी लाई जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स।
विलय की नीति, इसमें इसने भारत की जो प्राचीन परंपरा थी गोद लेने की, इसको उसने एक तरीके से समाप्त कर दिया। और मर्जी कैसा ये चाहेगा तो आप गोद लेंगे नहीं लेंगे, पूरा चर्चा करेंगे हम। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की पॉलिसी लाई। और तीसरा इसने लाया मल एडमिनिस्ट्रेशन, कुशासन। इन तीन तरीकों के आधार पर साम्राज्य का विस्तार किया। तो पहले एक लाइन पूछता है कि डलहौजी अनोखा साम्राज्यवादी था, यूनिक इंपीरियलिस्ट को मानता था, अनोखा साम्राज्यवादी था। तो क्या था, कैसे था, क्या मुद्दा था, समझेंगे। तीन तरीका इसने अपनाया। युद्ध के द्वारा इसने पंजाब का विलय किया, वर्मा का विलय किया, सिक्किम का विलय किया दोस्तों। कुशासन के द्वारा इसने अवध का विलय किया, अवध वही फैजाबाद लखनऊ का जो क्षेत्र था बार बार अवध का, जो बफर स्टेट के रूप में काम करता था दोस्तों, अवध का विलय किया कुशासन के आधार पे। और विलय की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के द्वारा कई छोटे छोटे राज्यों का किया, जैसे सतारा है, जयपुर संभलपुर है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, इनका इस आधार पर विलय किया दोस्तों। हम इसको समझेंगे क्या मुद्दा था, कैसे किया। याद रखिएगा डलहौजी ने तीन तरीका अपनाया, युद्ध के द्वारा, विलय की नीति के द्वारा और कुशासन के आधार पर। मतलब जो तरीका, किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, विलय करना है, हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एन केन इसको क्या करना था, विलय करना था। और इस तरीके को इसने अपनाया। पॉइंट क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, युद्ध के द्वारा अगर हम बात करें, समझिएगा, तो सबसे पहला था पंजाब, पंजाब का विलय किया इसने। युद्ध के द्वारा जो पहला मुद्दा था इसने जो विलय किया वो था पंजाब का किया। बेसिकली मुल्तान एक तरीके से पंजाब, इसके सन पिछले प्रथम जो एंग्लो पंजाब हुआ था तो इसके अधीन ही था, एक संरक्षक के रूप में था, इन्हीं के अधीनता में काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक सूबेदार था मुल्तान का, मूल राज, याद रखिएगा मुल्तान का गवर्नर, मूल राज ने विद्रोह कर दिया। मुल्तान का गवर्नर मूल राज ने क्या कर दिया, विद्रोह कर फ्रांस एगेन्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन, वांस एगेन्यू और एंडरसन की हत्या कर, ये अंग्रेजों के लिए उकसाने के लिए काफी था। मतलब मुल्तान में का गवर्नर ने विद्रोह किया, वहां के सिपाहियों ने, दो अंग्रेज अधिकारी थे, वांस एगेन्यू और एंडरसन की हत्या कर दी। डलहौजी के लिए इतना पर्याप्त था, उसने एक स्टेटमेंट कहता है कि पूर्व चेतावनी के बिना और अकारण ही सिखों ने युद्ध की घोषणा कर दी। श्रीमान मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि उनको या प्रतिशोध का बदला, इसका बदला पूर्णतः लिया जाएगा। और दोस्तों उनको मौका चाहिए था और डलहौजी ने अटैक करा दिया लॉर्ड गफ की अधीनता में। लॉर्ड गफ पूछा गया, याद रखिएगा लॉर्ड गफ की अधीनता में अटैक हो गया। और कहा जाता है कि रामनगर चिलियावाला इनका युद्ध हुआ, गुजरात रामनगर चिलियावाला और गुजरात रामनगर चिलियावाला। दोस्तों मैं हर वो पॉइंट प्री का आपको बता देता हूं कि एग्जामिनर चाहे जिस तरीके से पूछे आपका मिस ना हो। पूरा मैं मैटर बता दूं, एक तरीके से पंजाब अंग्रेजों के ही संरक्षक में था, लेकिन बाद में क्या हुआ, संरक्षण में था, लेकिन मुल्तान का गवर्नर ने विद्रोह कर दिया, मूल और दो अंग्रेज अधिकारी वहां के सिपाहियों ने हत्या कर दी, वांस एगेन्यू और एंडरसन। डलहौजी के लिए इतना पर्याप्त था। डलहौजी ने लॉर्ड गफ की अधीनता में सेना भेजी। तीन भयंकर युद्ध हुए, रामनगर चिलियावाला और गुजरात का युद्ध हुआ। ये छोटे छोटे वहीं पे लोकल स्थान थे, इनके आधार पे युद्ध हुआ। और एक तरीके से पूरे के पूरे इस युद्ध के बाद पंजाब का विलय कर लिया गया। दिलीप सिंह को एक तरीके से संचरण में पेंशन देके वो कर दिया गया और पूरे के पूरे पंजाब का विलय कर लिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, जो मामला सुलझ सकता था ये गवर्नर के विद्रोह पे पूरे पंजाब का विलय कर देना, अगर हम बात करें सही और गलत के दृष्टिकोण से तो सही तो नहीं था, लेकिन आपको पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इनकी जरूरत नहीं थी, अब अंग्रेज बहुत आगे निकल चुके थे तो उनको मौका चाहिए था, इन्होंने पूरे पंजाब का विलय कर दिया। पॉइंट क्लियर। फिर से मैटर बता दूं कि मुल्तान के गवर्नर ने विद्रोह किया, दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई, इसी मुद्दे पे लॉर्ड गफ की अधीनता में सेना भेज कर पंजाब का विलय कर लिया। पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं, देखिएगा वर्मा का विलय कैसे हुआ।
है, फिर से मैं बता दूं, कुछ लोगों को दिख नहीं रहा तो मैं फिर से आपको बता देता हूं, समझिएगा। पंजाब का विलय किया इसने, पंजाब के विलय करने पे याद रखिएगा कि जो मुद्दा था 1849 में हुआ, मुद्दा यह था कि मुल्तान का गवर्नर, फिर से बोल रहा हूं मैं, मुल्तान एक क्षेत्र था, मुल्तान का गवर्नर मूल राज ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों को लेके, और दो अंग्रेज अधिकारियों को उसके राज में हत्या कर दी गई। अंग्रेज अधिकारी थे वांस एगेन्यू, AGNEU एगेन्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन, वांस एगेन्यू एंड एंडरसन की हत्या कर दी गई। इसी मुद्दे पे डलहौजी ने लॉर्ड गफ की अधीनता में सेना भेजी और उन्होंने रामनगर, चिलियावाला और गुजरात के युद्ध में इसको क्या कर लिया, पराजित किया पंजाब की, और पंजाब का पूरा विलय कर लिया। और इस तरीके से पंजाब समाप्त हो गया उन, और अंग्रेजों ने पूरे पूरे पंजाब को अपने अधीन कर लिया। पॉइंट क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट कोई मुद्दा हो तो बताए। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा मुद्दा आता है, वर्मा का विलय कैसे हुआ, क्या मुद्दा था वर्मा का विलय? दोस्तों वर्मा का विलय क्या हुआ, क्या मुद्दा था? दोस्तों अगर वर्मा की हम बात करें, वर्मा के विलय का मुद्दा क्या रहा, तो वर्मा में याद रखिएगा कि एक संधि हुई थी पहले, यान डाबू की संधि, और उस संधि 1826 में हुई थी। उस संधि के तहत अंग्रेज जाके वर्मा के तटों पे, अंग्रेज वर्मा के दक्षिण तटों पे रहने बसने लगे थे। एक संधि हुई थी 1826 यान डाबू की, यान डाबू की याद रखिएगा, 1826 में एक संधि हुई थी यान डाबू की, और इसके तहत दोस्तों अंग्रेज वहां जाके बसने लगे थे। देखिए शुरू में जाते थे, बाद में अपने का साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करते थे। हुआ क्या, अब ये वहां जो अंग्रेज वहां बसे थे, ये लोग मिसबिहेव करना चालू कर दिए, वहां के कानून को न मानना, कई प्रकार की समस्या खड़ी करते थे ये लोग। जब ये कई प्रकार की समस्या खड़ी करने लगे दोस्तों, उसी दौरान याद हुआ कि इन लोगों ने सेपर्ड और लुइस नामक दो अंग्रेज कप्तान थे, उन पर वर्मा सरकार ने जुर्माना लगा दिया। देखिए नॉर्मल सी बात थी, सेपर्ड और लुइस दो अंग्रेज अधिकारी थे, इनके ऊपर वर्मा गवर्नमेंट ने जुर्माना लगाया। सेपर्ड और लुइस नामक दो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज कैप्टन थे, उनके ऊपर जुर्माना लगा। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, इसी मुद्दे पे बाद में वर्मा सरकार ने माफी भी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन डलहौजी को तो मौका चाहिए था, और इसी मुद्दे पे कॉमडोर लैम्बर्ट को इसने भेजा, लैम्बर्ट को इसने भेजा, और वर्मा का दोस्तों विलय कर लिया गया। मतलब अंग्रेजों को मौका चाहिए था, नॉर्मल सी बात थी, दो अंग्रेज अधिकारियों पे वर्मा गवर्नमेंट जुर्माना लगाती है, सेपर्ड और लुइस दो, सेपर्ड मैं बार बार दिख नहीं पा रहे मैं बोल रहा हूं बड़ा आराम से, सेपर्ड और लुइस नामक दो अंग्रेज अधिकारियों पे वर्मा सरकार ने दोस्तों जुर्माना लगाई, और इसी मौका पे डलहौजी ने इसी को बेइज्जती मांगी अंग्रेजों का, और सेना भेज के वर्मा का विलय करा लिया। पूरी कहानी समझिए, 1826 में वर्मा से एक संधि हुई थी यान डाबू की, इसी संधि के बाद अंग्रेज वहां जाके वर्मा के दक्षिणी तटों पे बसने लगे थे दोस्तों, रहने लगे थे, और बाद में ये लोग मिसबिहेव करना चालू किए। किसी मुद्दे पे दो अंग्रेजों पे, सेपर्ड और लुइस पे वर्मा गवर्नमेंट ने जुर्माना लगाया, और इसी को बेइज्जती मान लिए इन लोगों ने, और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए डलहौजी ने सेना भेज दिया दोस्तों, और वर्मा का विलय कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप मजबूत हो जाता है व्यक्ति, तो ये नहीं देखता क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या करना है, और इस तरीके से इसने क्या कर लिया, वर्मा का पूरा विलय कर लिया। और यही मुद्दा दोस्तों अगर हम देखें सिक्किम की बात करें, तो सिक्किम का भी बहुत बुरा मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं था, दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और इसी मुद्दे पे इसने क्या किया, सिक्किम का भी विलय कर लिया युद्ध के द्वारा। तो इस तरीके से दोस्तों वर्मा का, सिक्किम का, और इन तीनों का विलय डलहौजी ने युद्ध के द्वारा कर लिया। किसी को कोई इस मुद्दे पे डाउट हो, अब कोई समझ में नहीं आया हो तो वो बता, किसी को कोई डाउट कोई मुद्दा, तीन चीजें मैंने बताई, जब क्लियर हो जाए करे तो ओके जरूर लिख दिया करिए, जिससे हमें पता चल जाए कि आप समझ गए चीजों को। हमने आपको तीन चीजें बताई, वर्मा का विलय कैसे हुआ, पंजाब का विलय कैसे हुआ, इसका विलय कैसे हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट हो कोई मुद्दा हो कोई प्रॉब्लम हो तो बताए।
सभी को क्लियर है? इन तीनों टॉपिक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो, कोई मुद्दा हो तो पूछ ले। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इतना है, क्लियर है। तो ये क्लियर दो तरीके से होता है, एक क्लियर होता है, एक पूरा क्लियर होता है। तो मैं बार बार कहूंगा पूरा क्लियर मत करिएगा, क्लियर करिएगा। तो बहुत लोग कहते हैं सब क्लियर हो जाता है और सब साफ रहता है, तो ये मत करेगा। ये लेके क्या है कि अगर थोड़ी सी करेंगे, सिक्किम की विजय, देखिए सिक्किम में कोई मुद्दा नहीं था जब वर्मा नहीं बचा तो। सिक्किम बेसिकली क्या था, दो अंग्रेज डॉक्टर थे, उनके साथ मिसबिहेव हुआ था और इसी का बदला लेने के लिए उसने क्या किया, इसका सिक्किम का पूरा विलय कर लिया। पॉइंट क्लियर है, कोई और मुद्दा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों दूसरा मुद्दा है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या है। ये यूपीएससी में पूछा भी जाता है, विलय की नीति, बड़ा नाम सुनोगे गोदर, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, या इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, हिंदी में कहा जाता है विलय की नीति। हाँ, व्यपगत का सिद्धांत, विलय की नीति। दोस्तों जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स है, विलय की नीति है, ये क्या है, इस चीज को समझने के लिए देखिए क्या है, जब आदमी पावर में आ जाता है तो उसको किसी, अगर हमें सोच लेना कि हमें ये करना है तो चाहे येन केन हम नियम अपने हिसाब से बनाते हैं, नियमों को चेंज करते हैं और चीजें कर लेते हैं। अगर हम देसी भाषा में कहें, सामान्य भाषा में, तो डलहौजी ये चाहता था कि अब कोई रियासत ना बचे। लेकिन जो रियासत आपकी हर बात मान रहा है उसको, इसे आपका कोई नौकर है, अब वो नौकर आपकी हर बात मान रहा है, आपका कभी भी कोई विरोध नहीं कर रहा था, आप कैसे निकालोगे, कुछ तो तर्क देना पड़ेगा, कैसे उसको घर से कहो कि अब तुमको काम नहीं देना है। तो अब इनको कोई ना कोई मौका चाहिए था जिससे रियासतों को खत्म किया जाए और उनका विलय किया जाए, कोई ना कोई मौका मिले, हम किसी भी तरीके से उसको अपने अधीन कर लें। अब जब ये बेचारे विद्रोह भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, फिर इनको कैसे किया जाए। तो उस एक तरीका डलहौजी को लिखा कि आधी रियासतों के अपने उत्तराधिकारी नहीं है, तो इसने कहा कि गोद लेने की परंपरा पे इसने प्रतिबंध लगाया। आज भी हमारे यहाँ देखिए प्राचीन परंपरा है, धार्मिक परंपरा भी है, मान्यता प्राप्त परंपरा है कि अगर किसी को लड़का नहीं है या तो वो चाहे तो किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है, गोद ले सकता है और उसका पूरा राइट होगा, उसकी प्रॉपर्टी में हर तरह का अधिकार वही होगा जो उसके अपने लड़के का होता है। दोस्तों ये परंपरा प्राचीन परंपरा थी और मान्यता प्राप्त परंपरा थी। अब डलहौजी देखा कि आधी रियासतों की अपनी कोई संतान नहीं है और इसी मुद्दे पर उसने एक नियम निकाला और उसी नियम को कहा गया विलय की नीति, कि गोद लेने की परंपरा पे इसने प्रतिबंध लगा। दोस्तों पूछेंगे नियम क्या था, तो इसने कहा उस समय तीन प्रकार की रियासतें थी। देखिए ये क्यों कहने की बात है, नियम मर्जी थी उसकी, बस एक भाई बताना तो पड़ेगा ना कि किस आधार पे कर रहे हो। आधार उसने दिया, लिख लीजिएगा, तीन प्रकार की, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोविनेंस थे उस समय। पहला, जो कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे, कभी भी किसी के अधीन रहे, स्वतंत्र रहे। दूसरा, जो मुगल रियासत, मुगलों या मराठों के अधीन रहे। और तीसरा, जिसे अंग्रेजों ने बनाया, अपनी सहायता से अंग्रेजों ने अलग करके बनाया। तीन प्रकार की रियासतों को इसने डिसाइड किया। पहला, जो कभी भी किसी भी सत्ता के अधीन नहीं रहे, हमेशा फ्री रहे। सेकेंड, जो मुगल रियासत या पेशवा को कर देते थे, उनकी अधीनता को स्वीकार करते थे, जो मुगलों को कर देते थे या पेशवाओं को कर देते थे, इस प्रकार की रियासतें थी, और जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। अब डलहौजी ने कहा कि इन दोनों को गोद लेने की अनुमति लगभग नहीं होगी, तीसरे की तो एकदम नहीं होगी, दूसरे को हम चाहें तो दे या ना दे, एक तरीके से नहीं होगी। और इस तरीके से इसने इस परंपरा पे पूरा प्रतिबंध लगा दिया। ज्यादातर यही रियासतें थी और एक तरीके से लगभग लगभग ये हो गया कि गोद लेने की परंपरा अब इनकी मर्जी थी, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। और इसी आधार पे इसने गोद लेने की प्राचीन परंपरा को समाप्त करने की दोस्तों कोशिश की। याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की पॉलिसी लाई, इसमें उसने दिखाने के लिए नियम बनाया कि भारत में तीन प्रकार की रियासतें हैं दोस्तों। पहला, जो कभी भी किसी भी
की सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं की, चाहे न मुगलों के अधीन रही न मराठों के अधीन रही। दूसरी रियासतें वो हैं जो मुगलों को या मराठों को टैक्स देती थी उनके अधीन थी, और तीसरी रियासतें जिसको अंग्रेजों ने अपने सहायता से बनवाया है। इसने कहा तीसरी तो एकदम नहीं लेगी, दूसरी के बारे में हम कंसीडर कर सकते हैं, पहली ले सकती है, तो पहली थी नहीं बहुत ज्यादा। और इस तरीके से इसने इन रियासतों को लगभग लगभग गोद लेने की परंपरा को समाप्त कर दिया। दोस्तों जो पहला तरीक जो पहला विलय हुआ वो था, याद रखिएगा, सतारा। जो पहला विलय हुआ दोस्तों वो था सतारा। दूसरा हुआ जयपुर संभलपुर, पहला हुआ सतारा 1848 में। उसके बाद हुआ आपका सतारा दोस्तों, पहला जो याद किया विलय की नीति के तहत जो पहली रियासत का विलय हुआ वो था दोस्तों सतारा। दूसरी थी जयपुर और संभलपुर 1849 में। दूसरी रियासतें हुई जयपुर, JAIT जयपुर एंड संभलपुर। सेकेंड उसके बाद हुआ बघाट 1850 में। क्रम भी यही याद रखेगा जो इसे लिख रहा हूं, कभी कभी अरेंज करने के लिए आता है बघाट 1848 में सतारा हुआ, 1849 में जयपुर संभलपुर दोस्तों, उसके बाद हुआ बघाट 1850 में, उसके बाद उदयपुर और उस 1852 में, उसके बाद झांसी, उदयपुर के बाद झांसी 1853 में, उसके बाद हुआ नागपुर। दोस्तों डेट मत याद करिए, क्रम याद करिएगा। सबसे पहले सतारा हुआ, फिर जयपुर संभलपुर हुआ, फिर बघाट हुआ, फिर उदयपुर हुआ, फिर झांसी हुआ, फिर नागपुर हुआ। और इस तरीके से दोस्तों इसने इन सभी रियासतों को इस आधार पर मिला लिया कि इनका कोई उत्तराधिकारी लीगल नहीं है, और इस तरीके से इसने इस नियम को, सबसे पहला राज जो इसके तहत मिलाया गया वो सतारा था, उसके बाद जयपुर संभलपुर को मिलाया, फिर बघाट को मिलाया, फिर उदयपुर को मिलाया, फिर झांसी को मिलाया, फिर नागपुर को मिलाया, और इस तरीके से इसने इन रियासतों को दोस्तों मिला लिया। किसी को कोई डाउट, फिर से मैं रिपीट कर दूं, भारत में गोद लेने की दोस्तों प्राचीन परंपरा है, आज भी है। हुआ क्या, इनको मौका चाहिए था, इन्होंने देखा कि आधी रियासतों के अपने लीगल उत्तराधिकारी नहीं है, और इसी आधार पे दोस्तों इन्होंने इन रियासतों का क्या कर दिया, विलय कर दिया। पॉइंट क्लियर। अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक होगा। अब चलो ये भी हो गया, लेकिन जिसके उत्तराधिकारी भी हैं जो विरोध नहीं कर रहा है उसका क्या करोगे। इसमें था बेचारा अवध, अवध का उत्तराधिकारी भी था, और अवध कहता था यस सर, तो खड़ा जो कहो करने के लिए तैयार था। तो अब अवध का विलय कैसे करोगे यार। तो देखिए अब इनको कुछ समझ के मैटर पे दो लोगों को भेजा कि जाओ अपना देखो, और अवध पे दोस्तों इन्होंने क्या किया, अवध का विलय करने के लिए इन्होंने दो लोगों को, श्रीमन को और आउटरम को भेजा, और कहा दिखाओ वहां की जनता परेशान है। मतलब देखिए कहते हैं क्या है कि वहां की जनता परेशान है, शासन सही तरीके से नहीं चल रहा। अब आप बताओ सहायक संधि में दरबार में कौन रहता था, अंग्रेज रेजिडेंट। अगर कुछ भी हो रहा है अंग्रेज रेजिडेंट की मर्जी से हो रहा है, तो अगर शासन सही भी नहीं चल रहा तो जिम्मेदार कौन है, अंग्रेज। और इसी मुद्दे पे कुशासन के आधार पे दोस्तों इसने क्या कर लिया, अवध का भी विलय कर दिया। मल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे इसने अवध का भी विलय कर दिया, और इस तरीके से अब बाद में देखिएगा इसी का परिणाम रहा 1857 का विद्रोह हुआ, जो अगला मुद्दा होगा बताया जाएगा। तो अवध का विलय इसने दोस्तों कर दिया। इसके बाद इसने आपका क्या कहते हैं सतारा जयपुर संभलपुर का डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के आधार पर विलय कर लिया, और युद्ध के द्वारा इसने वर्मा सिक्किम और पंजाब का विलय कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी तरीके को इसने छोड़ा नहीं, एन केन इसके। इसीलिए मैंने एक टिप्पणी दिया था कि क्लाइव ने ईट लखी आपका, उस वेलेजली ने दीवार खड़ी की, और डलहौजी ने छत डाल दिया। अब लगभग पूरा भारत एक तरीके से अंग्रेजों के चरणों पे गिर गया, और पूरा का पूरा उपनिवेश बन गया दोस्तों। पॉइंट क्लियर, पक्ष रहा डलहौजी का। अब दोस्तों अगर आप ही डलहौजी होते, इतने बड़ा क्षेत्र मिल गया, तो यार इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, जोड़ने के भी तो तरीका होना चाहिए, कैसे जोड़ा जाए इनको, कैसे अब आप पूरा एक प्रशासन को डेवलप किया जाए। तो याद रखिएगा डलहौजी ने जिस तरीके से साम्राज्य को बढ़ाया, उसी तरीके से साम्राज्य को जोड़ने के लिए भी कई पॉलिसी लाई। तो इसका जो सुधार हुआ इसको देखते हैं सेकेंड पार्ट में, किसने सुधार क्या क्या किया। पॉइंट क्लियर है, किसी कोई डाउट कोई।
हाँ मल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बढ़िया, मल एडमिनिस्ट्रेशन कुशासन के आधार पे किया। देखिए सबसे बड़ा, अगर आप थोड़ी सी जान लें, थोड़ा सा समझे, रेलवे इसी के काल में सबसे पहली बार जो दोस्तों इसने क्या किया कि रेलवे का वो हुआ, प्रथम रेल लाइन चली बंबई से थाने तक, प्रथम रेल लाइन, ये सब तो आप जानते ही होंगे, बंबई से थाने तक। दोस्तों देखिए रेलवे चालू करने में थोड़ा सा बताऊंगा, रेलवे बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अलग मुद्दा है जो इकोनॉमिक हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, बस यहां जान लीजिए चूंकि मेरी आदत है कि पूरे मुद्दे को एक बार जोड़ के बता दें आपको। देखिए क्या था, रेलवे चालू करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था, ये जान लीजिए, कभी कभी अलग से पूछता है। तो इनका था कि कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाना और तैयार माल को बंदरगाह से गांवों तक पहुंचाना। पर्पज दोस्तों इनका ये था, चूंकि पूरा एरिया मिल चुका था, हर एरिया से कच्चा माल ले सकते हैं, बाउंड्री कोई नहीं थी, सब इनके अधीन था, तो जाहिर सी बात है इनका पर्पज था कि जो ब्रिटेन का तैयार मशीनी माल आ रहा है उसको गांवों तक बाजार तक पहुंचाओ और भारत से कच्चा माल लेके ब्रिटेन तक पहुंचाने के लिए बेसिक पर्पज यही था। नो डाउट इससे इसका अगर प्लस पॉइंट हम स्पोर्ट से देखें तो प्लस पॉइंट ये रहा, भारत का भौगोलिक एकीकरण हो गया दोस्तों, ये लाइन लिखिएगा, और भारत का सामाजिक एकीकरण हो गया, ये दो पॉइंट जरूर लिखिएगा। एग्जामिनर को भी देखिए, एग्जामिनर को जब कि सर पे जब तक हिट नहीं करेंगे वो देखता नहीं है कि भाई क्या लिखा है। तो यदि कि रेलवे एक टूल्स बना इन इंडिया सोशल इंटीग्रेशन एंड ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन में दोस्तों जो टिकट लेगा वो बैठेगा, किसी भी जाति धर्म का हो, तो एक तरीके से बराबरी की बात होने आने लगी कि अब सब एक समान होंगे जो पे करेगा। और दूसरा दोस्तों जो भौगोलिक एकीकरण उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम रेलवे ने जोड़ दिया, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला कि कांग्रेस की मीटिंग पूरे भारत में होना चालू हो गई। इसलिए कहते हैं कि जिस हथियार का प्रयोग अंग्रेजों ने अपने को मजबूत करने के लिए किया था, उसी हथियार का प्रयोग हमने आंदोलन में उनके खिलाफ किया और रेलवे दोस्तों एक बहुत बड़ा हथियार बना। तो इस पर पूरा अलग चर्चा होगी, बस यहाँ जान लीजिए कि रेलवे प्रथम रेल लाइन बंबई से थाने तक बनी। पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई डाउट कोई मुद्दा हो तो बताए। दूसरा याद रखिएगा, इसने अब कहा सैनिक सुधार में, याद कीजिएगा, बंगाल आर्टिलरी तोपखाने का मुख्य कार्यालय जो था, बंगाल तोपखाने का मुख्य कार्यालय इसने कलकत्ता के स्थान पर मेरठ ला दिया। बंगाल तोपखाने का मुख्य कार्यालय इसने कलकत्ता के स्थान पे मेरठ को ला दिया और सेना का मुख्यालय शिमला भी रखा गया कि अब शिमला बनेगा, सेना का मुख्यालय शिमला को लाया गया। एक टूरिस्ट की दृष्टिकोण से भी था, मौसम भी बढ़िया था, तो शिमला को लाने की बात की गई और सेना में कई रेजिमेंट को लाने की बात की गई, जिससे क्या हो कि एक कोई हावी ना हो और हम अपना नियंत्रण बनाए रखे। तो डलहौजी ने सैनिक सुधार में, याद रखिएगा, बंगाल तोपखाने का कार्यालय मेरठ को लाया, सेना का मुख्य कार्यालय आपका शिमला बनाने की कोशिश की गई और इस तरीके से काम किया गया। इसके बाद दोस्तों इसने जो सबसे शिक्षा में जो दूसरा काम किया, इसने ऊड का डिस्पैच एक्ट, याद रखिएगा, ऊड डिस्पैच एक्ट जो खूब पूछा जाता है, ऊड डिस्पैच एक्ट, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, याद रखिएगा, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसी के काल में आया। मैग्ना कार्टा इतिहास में उसको शब्द यूज करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसका प्रभाव हमेशा बना रहा है। आज जो भी भारतीय शिक्षा देखते हैं दोस्तों, ऊड के डिस्पैच एक्ट का ही है। इसी में कहा गया 3 विश्वविद्यालय होंगे, इसके बाद प्राइमरी से लेके मिडिल में क्या एजुकेशन होगा, अपर का होगा, महिलाओं के लिए अलग होगा, टेक्निकल, मतलब सब कुछ इसमें कहा गया। जो भी शिक्षा मिलता है ऊड के डिस्पैच एक्ट के द्वारा ही मिलता है, पूरा अलग से एजुकेशन पॉलिसी में इसको बताया जाएगा। याद रखिएगा, इसी के काल में 1854 में ऊड का डिस्पैच एक्ट आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जब भी यूज होगा, याद रखिएगा, जिसका प्रभाव हमेशा बना रहे। तो भारतीय शिक्षा का जो बेस देता है जो एक्ट, वो देता है ऊड का डिस्पैच एक्ट। पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो कोई मुद्दा हो तो बताइए। इसके अलावा आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इसी के काल में आया, विद्युत तार आया, ओ सैंगनेसी की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, ओ सैंगनेसी, ओ सैंगनेसी,
के रास्ता में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का वो किया गया, विद्युत तार बना, और जो अब तो रोल ही खत्म हो गया। पहले आपको याद होगा किसी का लड़का उड़का होता था, कोई तो कहते कम सुन, आदमी की हालत खराब होता कि जल्दी आओ, मतलब मुख्यालय पे तार आ गया है आपका, और व्यक्ति जब इस समय मोबाइल वोबाइल नहीं होता था कम्युनिकेशन का माध्यम, तार के मामले में या तो खुशी का होगा यही दो दिखाता था, अब आदमी मतलब जैसे ही सुना आपके घर से तार आया है व्यक्ति की हालत खराब, 90 के पीछे के दौर में आप पूछेगा लोग की पूरा चक्कर आने लगता था कि क्या हो गया, उसमें ज्यादा लिखा नहीं, कम सुन जल्दी आओ। अब अंदाज लगाइए, दो या तो खुशी का तार आएगा या इसका आता था। अब तो इतने, अब सोचिए उस समय लोग कैसे रहते थे, आज आप घर से जाते हैं बेटा खाना खा लिए, ट्रेन चल दी, ट्रेन पहुंची, और थोड़ा सा मोबाइल ऑफ हो गया तो पूरा घर परेशान हो जाता। उस समय लड़का घर से निकल गया, कहाँ गया, 2 महीने बाद लेटर भेजा, पिताजी हम पहुंच गए हैं, तब घर वाले भी मस्त, लड़का घर से निकला, घर वाले भी मस्त, लड़का भी मस्त। यहाँ तो देखिए ये होता है, उस समय पेशेंस कितना ज्यादा था कि आज क्या है, आप 1 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए पूरा घर परेशान हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे तकनीकी आती है मानवीय उद्वेलन भी बढ़ता है। क्लियर, ये था मुद्दा, तो याद रखिएगा विद्युत तार आया जिसका अब यूज नहीं है लेकिन उस समय काफी बहुत ज्यादा यूज था दोस्तों। और इसके बाद याद रखिएगा पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में, अब देखिए सब बन गया तो जाहिर सी बात है आपस कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। देखिएगा 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट हुआ जिसमें 3 प्रेसिडेंसी में महानिदेशक नियुक्त किया गया और 2 पैसे की दर से लेटर को भेजने की बात की गई, कहीं भी आप भेज सकते हैं, ये था मुद्दा। और इसके बाद अब रोड भी जरूरी है जोड़ने के लिए, तो पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, और जिसके आधार पे तो कहते हैं कि डलहौजी ने एक तरफ तो विस्तार किया, दूसरी तरफ इसने जोड़ने का भी काम किया, इसलिए कहा जाता है कि यूनिक साम्राज्यवादी था, अनोखा साम्राज्यवादी था दोस्तों, ये था। और इसी के बाद आपको पता होगा 1857 का विद्रोह हुआ और चीजें पूरी हुई। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो, कोई मुद्दा हो, कोई समस्या हो तो बताए, पॉइंट क्लियर है तो बताएंगे। एक क्वेश्चन बताइए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत पहला राज्य का विलय किस राज्य का किया गया, बड़ा इजी है, अभी मैं बताया भी हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत जो पहला राज्य का विलय हुआ कौन था, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, चलिए बहुत बढ़िया, अनु सिंह ने बताया बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा बताइएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बताइएगा आपको कि आंग्ल प्राच्य शिक्षा डिस्प्यूट में जो मैकाले कमेटी बनी किस पर में मैकाले कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था, रेडिकल, मिनट और नेशनल हेराल्ड, किस में दिया था, मतलब कि मैकाले कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन कहां दिया था, किस पे दिया था, मिनट, बहुत बढ़िया, मिनट नामक पत्र में, बहुत बढ़िया। ट्रेवेलियन तो वो था जो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था, मैकाले कमेटी ने जो दिया वो दिया मिनट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठगी प्रथा समाप्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन, ठगी सिस्टम को समाप्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, स्लीमन, बहुत बढ़िया, इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी आप लोग की चली और मेरी बातों को बड़ी कंसंट्रेट से आप लोग सुन रहे हैं, यकीन मानिए बड़ा काम आएगा आपको आगे। और इसी के साथ इस टॉपिक को हम अगर कुछ विराम करते हैं, किसी कोई डाउट हो कोई मुद्दा हो तो बताएं। हाँ, विलियम बेंटिंक वो था, गवर्नर था और स्लीमन ने किया था, बहुत बढ़िया, बेंटिंक गवर्नर था और स्लीमन ने किया था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास पे, नमस्कार।